नमस्कार, एमएसटीवी की न्यूज एक्सप्रेस बुलेटिन के साथ मैं हूँ आपके साथ अंकिता। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव होते ही प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी हुई है। राज्य शासन ने सोमवार को 6 प्रमुख सचिवों के विभाग बदलने के साथ 15 अन्य आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो गई है। इसी के साथ ही विभागों में कामकाज को लेकर हलचल तेज हो गई है। आचार संहिता हटने के बाद सोमवार शाम को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में पहली और कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में जनता से जुड़े अनेक मामलों को हरी झंडी दी गई। मध्य प्रदेश में सरकार की स्थिरता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। अब कमलनाथ के मंत्री के बाद बीएसपी के तेज तर्रार विधायक रामाबाई ने भाजपा पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। रामाबाई का कहना है कि बीजेपी लगातार विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। नौतपा का तीसरा दिन सोमवार सीजन में दूसरी बार सबसे गर्म रहा। शहर 13 घंटे 24 मिनट तक खूब तपा, तापमान 44 डिग्री पहुंचा। इस सीजन में सोमवार को सबसे तीखी धूप चटकी। प्रदेश के 4 महानगरों समेत 10 शहरों में पारा 44 या उससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से लू की चपेट में रहे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश सरकार के भविष्य पर हो रही चर्चाओं के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार 1 महीने भी चल पाएगी, इस पर उन्हें शक है। उन्होंने यह भी कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, उनके कर्म ही उन्हें ले डूबेंगे। कैबिनेट ने सोमवार को नई रेत नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत रेत खदानों की नीलामी के अधिकार पंचायतों से वापस लेकर राज्य खनिज निगम को दे दिए गए हैं। रेत नीति में परिवर्तन की वजह राजस्व में घाटा और अवैध रेत उत्खनन के मामलों में बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के पहले स्वर्ण आरक्षण लागू करने के बाद इसका सबसे पहला फायदा मेडिकल कॉलेजों को मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश में पुराने और नए सभी मेडिकल कॉलेजों में वर्तमान में स्वीकृत एमबीबीएस की सीटों में करीब 50-50 सीटों का इजाफा हो जाएगा। भारत ने सोमवार को उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश MK-1A प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि अगर पार्टी उन्हें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता पद की पेशकश करती है तो वह इस दायित्व को निभाने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जहरीली शराब अपना कहर बरपा रही है। मामला बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के रानीगंज गांव का है, जहां शराब पीने से एक ही परिवार के 3 सगे भाई और पिता सहित 7 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में वर्ष 2019 के पहले 4 महीनों में 177 आतंकी घटनाओं में 61 सुरक्षा कर्मियों और 11 असैनिक नागरिकों की जान चली गई और 142 लोग घायल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपनी नई कैबिनेट को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। कैबिनेट में मंत्रियों के नाम तय करने के लिए पीएम संभवतः वरिष्ठ मंत्रियों के साथ यह बैठक कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे पर अड़े कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मनाने का दौर आज भी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के सीनियर नेता आज फिर राहुल गांधी से मुलाकात कर समझाने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के किरामाबाद गांव में घेराव कर तलाशी अभियान शुरू किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने मंगलवार सुबह से ही किरामाबाद गांव में घेराव कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना जापान दौरा खत्म कर मंगलवार को अपने देश लौटने वाले हैं। इससे पहले वह अमेरिकी बलों को मेमोरियल डे भाषण देने के लिए एक अमेरिकी युद्धपोत पर रुकेंगे। ब्रिटेन के पाकिस्तानी मूल के गृह मंत्री साजिद जावेद ने ब्रिटेन में अगले महीने से शुरू हो रहे कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव में शामिल होने की अपनी मंशा जाहिर की है। इसके साथ ही जावेद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल 9वें उम्मीदवार बन गए हैं। जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल समेत 20 संदिग्ध आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। जिन लोगों के खिलाफ एलओसी जारी होता है उनके विदेश से आने और जाने पर नजर रखी जाती है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार 6ठे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सप्ताह के दूसरे दिन पेट्रोल 9 पैसे और डीजल 5 पैसे महंगा हो गया। पिछले 6 दिनों में पेट्रोल 70 पैसे और डीजल 50 पैसे तक महंगा हो गया। श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए ने शानदार खेल दिखाया है। टीम ने यूनियन जिमखाना ग्राउंड में खेले गए पहले 4 दिवसीय अनाधारित टेस्ट मैच में तीसरे दिन सोमवार को श्रीलंका ए को पारी और 205 रनों से करारी मात दी। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व कप में अपना दूसरा अभ्यास मैच भी जीतकर दुनिया को अपने तेवर दिखा दिए। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को खेले गए दूसरे वार्म अप मैच में श्रीलंका को 31 गेंद शेष रहते हुए 5 विकेट से हराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।